टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सिक्स चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज। आज अपन जीके का सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है एक्वाटिक प्लांट। ठीक है, अब एक्वाटिक प्लांट का मींस क्या है? देखो, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो पौधे किस में उगते हैं? प्लांट में उगते हैं, अपन उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, सोन हेयर आर अ फ्यू एक्वाटिक प्लांट, रीड द ग्लू, आइडेंटिफाई द प्लांट एंड राइट देयर नेम इन द ब्लैंक। ये बोल रहा है कि आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, इन प्लांट को आइडेंटिफाई करो, पहचानो, उनका नाम लिखो। फर्स्ट है, दिस वाटर प्लांट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट वाटर बीड इन द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कि ये जो वाटर प्लांट है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्रस्ट, मतलब होता है बुरा, सबसे बुरा वाटर बीड है, सबसे बुरी घास है वाटर के अंदर उगती। तो इसका नाम क्या है? वाटर हाइना सिथ। क्या नाम है? वाटर हाइना सिथ। ठीक है, सेकेंड है, द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि ये जो पौधा है, इस प्लांट, इस पौधे का जो फूल है वो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। तो आपको पता है हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, कमल। ठीक है, थर्ड है, दिस एल्गी ग्रोइंग एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स इज नेम्ड आफ्टर हिज गार्लिक लाइक ऑर्डर। ये बोल रहा है ये जो एल्गी है, ठीक है, ये जो एल्गी है, एल्गी मतलब होता है सैलाब है, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं सैलाब। ठीक है, ये कहाँ उगता है? पॉन्ड्स और लेक तालाब की नीचे बॉटम होता है, सबसे नीचे किनारे में नीचे उगता है। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है कि ये इसमें कैसी स्मेल आती है? गार्लिक मतलब होता है अदरक, अदरक की जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम उसके ऊपर रखा हुआ है। इसका नाम क्या है? पेपीरस। क्या नाम है? पेपीरस। ये है, दिस प्लांट हैज़ एडिबल नट लाइक फ्रूट विथ फोर शार्प बार्ब्ड स्पाइन। ये बोला है कि भैया ये जो प्लांट है वो एडिबल नट है, मतलब अखरोट की तरह होता है लेकिन खाने योग्य होता है। कैसा होता है? खाने योग्य होता है। और इसकी बार्ब स्पाइन मतलब उड़ी लुकीली सी होती हैं, इसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट। क्या बोलते हैं? वाटर चेस्टनट। सिंघाड़े आपने खाए होंगे, ठीक है ना, इसके बोलते हैं सिंघाड़े आपने खाए हैं ना, ये है वो। ठीक है, फिफ्थ वाला है, दिस प्लांट गेट्स इज नेम फ्रॉम द फेदर लाइक अपीयरेंस ऑफ इज ग्रे ग्रीन लीव्स। ये बोल रहा है कि ये जो प्लांट है इसका नाम किस पे पड़ा हुआ है, किसके उस पे पड़ा है? कि इसके जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? फेदर होती हैं, फेदर मतलब पंख जैसी होती हैं, जो कैसी हैं? ग्रे ग्रीन है, किसी हैं ग्रे और ग्रीन कलर की लीव्स है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मस्क ग्रास। क्या बोलते हैं? मस्क ग्रास। ठीक है, सिक्स्थ वाला है, दिस फ्लोटिंग प्लांट लाइट ग्रीन लीव्स आर ईटन मेनली इन सैलेड्स। ये बोल रहा है कि ये जो फ्लोटिंग प्लांट है, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरता हुआ, फ्लोटिंग मतलब होता है जो तैर रहा है, ठीक है, जो डूबता नहीं है, जो फ्लोट करता है, तैर रहा है, ठीक है, ऊपर पानी के ऊपर तैरता है, उसे बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोटिंग जो प्लांट है ये कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसकी लीव्स कैसी होती है? लाइट ग्रीन कलर की। और इसको अपन किसमें खाते हैं? सलाद में अपन खाते हैं, सलाद खाते हैं ना। इसका नाम क्या है? वाटर लेटूस। क्या है? वाटर लेटूस। ठीक है, लास्ट है, दिस वाटर प्लांट आई वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट टू मेक स्क्रॉल फॉर राइटिंग। ये बोला ये वाटर प्लांट एंशियंट इजिप्ट है, मतलब प्राचीन इजिप्ट, मतलब मिस्र एक देश है। ठीक है, उसमें एंशियंट इजिप्ट में इसको अपन यूज़ करते थे, कैसे? राइटिंग, स्क्रॉल मतलब होता है ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ घुमाना है, ऊपर से नीचे लाना है, इसको स्क्रॉल, माउस को अपन स्क्रॉल नहीं करते, ऐसे मूव करते हैं, तो स्क्रॉल के लिए अपन इसको यूज़ करते थे। इसको क्या बोलते हैं? फेदर, पैरेट फेदर। क्या बोलते हैं? पैरेट फेदर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्लांट जो कैसे थे? एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर जो उगते हैं उनको। ठीक है।